गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों की हाई डिमांड पर है ये कॉलेज और वर्ल्ड रैंकिंग में भी ये टॉप पर है। आज के इस वीडियो में मैं इसकी इंडिया में रैंकिंग बताऊंगी, वर्ल्ड में रैंकिंग बताऊंगी, NIRF के अनुसार इसकी क्या रैंकिंग है आपको बताऊंगी, और ये बच्चों की इतनी इंटरेस्ट का कॉलेज क्यों है। सबसे पहले ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज यहां से मिलते हैं, गवर्नमेंट का फायदा है, इसकी फी कम है। कितनी कम है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इसमें बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, इसी को हम लोग CUSAT के नाम से जानते हैं, यही है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑटोनोमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है केरला में। ऑटोनोमस का मतलब ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है, ये किसी से एफिलिएटेड नहीं, ये खुद अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको और बातें बताऊं कि इसमें इसके तीन कैंपस हैं, दो पुराने कैंपस हैं जो कोची में है केरला में, और एक अलपुज़ा में है जो कि केरला कोचीन मेन सिटी से 66 किलोमीटर दूर है। ये B.tech की डिग्री देते हैं अंडर ग्रेजुएट में, देने को तो ये पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की भी डिग्री देते हैं, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं अंडर ग्रेजुएट में। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसमें दो कैंपस हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका डेट बचा हुआ है फॉर्म भरने का। नो, इसकी डेट खत्म हो चुकी है, इसके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। यानी ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाई हूँ जो फॉर्म तो फिल कर चुके हैं लेकिन सोच रहे हैं कि ये कैसा कॉलेज है, इसका क्या रेप्यूटेशन है, क्या प्लेसमेंट है, पैसे कितने खर्च होंगे। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ कि सबसे पहले CUSAT कॉमन एडमिशन टेस्ट से B.tech में एडमिशन होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके कैंपस को देख लें। ये CUSAT का एकेडमिक ब्लॉक है, ये जो आप देख रहे हैं ये एकेडमिक ब्लॉक है जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा है और ग्रीनरी दिख रहा है। हर गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा ही ग्रीनरी दिखता है। मैं NIT पटना से हूं, आप पटना में अगर रहते हैं तो एक बार घूम के आइए। NIT घाट भी है गंगा किनारे, कॉलेज भी दिखने में इसी टाइप का ग्रीनरी दिखेगा। मैंने MTech किया BIT सिंदरी से, वह भी एक गवर्नमेंट कॉलेज था, उस वो भी कुछ इसी प्रकार का ग्रीनरी था। तो ये काफी कूल फील आती है इस ग्रीनरी से, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस फोटो को स्पेशली रखा है, थोड़ा आंख को भी कूलनेस देता है और अच्छा भी है। हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बेस्ट कॉलेज है। अगर आपका एडमिशन इसमें हो सकता है तो जरूर करवाइए। अगर आप इसके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अंडर 500 रैंकिंग आती है तो अच्छे ब्रांच मिलेंगे और प्लेसमेंट पक्की है। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी ब्रांचेस अच्छी, और बच्चों के रिव्यूज दूंगी कि बच्चे क्या कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, यही है हमारा मेन एंट्रेंस कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देख लीजिए, आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कॉलेज के रेप्यूटेशन का, स्टैंडर्ड का, लेवल का, कि ये कितना अच्छा कॉलेज होगा। अब मैं बात करती हूं इसमें जाएंगे कैसे, कब होंगे इसके एग्जाम। तो चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोड ऑफ एडमिशन पे। इसके एडमिशन के लिए अब उन्हीं बच्चों को इस साल एडमिशन मिलेगा जिन्होंने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है।
CUSAT CAT Common Admission Test, Cochin University of Science and Technology. अब इसके लिए ट्वेल्थ में मार्क्स कितने चाहिए? जो बच्चे बिहार बोर्ड के उनका तो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और काफी अच्छा आया है. जो CBSE के हैं, एग्जाम देने के बाद उनको अंदाजा लग गया होगा कि उनका रिजल्ट कैसा होने वाला है. कम से कम 50 मार्क्स आपको मैथ्स में चाहिए और PCM कंबाइन में भी 50% मार्क्स ट्वेल्थ में चाहिए ही चाहिए. और इसके बाद जो एग्जाम आप देंगे, CUSAT जो एग्जाम लेगी, उसके रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा. मेंस एग्जाम का इसमें कोई रोल नहीं है. इसमें आपको CUSAT के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा. अब क्योंकि आपने फॉर्म तो भर दिया है, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम कैसा होता है. ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहली बात, जैसा मेंस होता है वही ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा. टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम मेंस की तरह ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन थोड़ा चेंजेस है इसमें, नेगेटिव ज्यादा है. मेंस के एग्जाम में या लास्ट डे में KIIT अपलोड की थी, KIIT एग्जाम में भी 1/4 नेगेटिव था, यानी सही के 4 मार्क्स मिलते थे, गलत के 1. लेकिन CUSAT गवर्नमेंट कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है, अच्छी रैंकिंग रखता है, हर बच्चे इच्छुक हैं इसमें एडमिशन के लिए. बैचेस में भी मैं अक्सर बोलती रहती हूँ कि मेंस बिहार इंजीनियरिंग CUSAT फॉर्म जरूर भरें. तो इसमें सही के 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत के 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे. अब बात उठती है कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है, तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन कितना आएगा देखते हैं. मैथ्स के 125 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 75 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे. आप देख रहे हैं जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर उतना अकेला मैथ्स. और मैं मैथ्स की टीचर हूँ, हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे, आपने रिजल्ट का भी मैं वीडियो डाली थी, मैथ्स बच्चे फोड़ के आए हैं. तो ये तो हमारे अनुसार का पेपर हो गया. मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस तो रैंक अच्छी हो जाएगी. अब इसका सिलेबस का बात करते हैं कि अब हमें एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉलेज है ये, मुझे इसी में एडमिशन लेना है. जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो तो प्राइवेट से तो फार बेटर है, लाख लाख गुना बढ़िया. और जब आपकी फी, जब आप इसकी फी देखेंगे तो और आप इसके फैन हो जाएंगे. सिलेबस इसका देखिए, यहां मैंने अंडरलाइन किया है कि ये +2 के सिलेबस का है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होते हैं. यानी जो आपने +2 में पढ़ा है वही सिलेबस से, कुछ नया पढ़ने का जरूरत नहीं है. अब बात मोस्ट अवेटेड का आ चुका है, फी स्ट्रक्चर. इसका फी स्ट्रक्चर क्या है तो देखते हैं. इसकी फी सब मिला के कॉशन मनी ₹1220 लगती है, एक बार जो एडमिशन के बाद रिफंड कर दी जाएगी. एक बार ₹620 और लगते हैं. और ट्यूशन फी 2 तरह की है, केरला वालों के लिए, स्टेट रैंक वालों के लिए बहुत कम 21,000, और बाहर वालों के लिए 39,000 पर सेमेस्टर. डियर स्टूडेंट आपको याद होगा इतनी फी तो NIT और IIT, इससे ज्यादा फी IIT लेती है. NIT 35,000 लेती थी लास्ट ईयर तक, इस बार का मुझे नहीं पता. तो ये काफी कम है फी. टोटल अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि 44,000 आप लोगों के लिए, यानी नॉन केरलाइट्स के लिए 44,000 है एंड केरलाइट्स के लिए सिर्फ 25,000 है. और इसकी हॉस्टल फी बहुत कम, रूम रेंट ₹40. आप देख लीजिए ₹40 बेड चार्ज लग रहे हैं, रूम रेंट लग रहे हैं सिर्फ ₹40 पर सेमेस्टर, ₹10. पानी का पर मंथ चार्ज ₹10. आप अंदाजा लगा ले सकते हैं कि एक महीने में आप ₹10 का पानी यूज करेंगे.
40 रुपया का आप बेड यूज करेंगे, 20 रुपया आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, मुझे लगता है अगर सबको जोड़ भी दें तो 800 रुपये पर सेमेस्टर पड़ेगा। मैं रिव्यू में आपको दिखाऊंगी कि एक बच्चा स्पेशली इसके हॉस्टल फी पर रिव्यू किया था। अब बात आती है फी के बाद प्लेसमेंट की। इतनी सारी कंपनीज हैं जो इसमें प्लेसमेंट के लिए आती हैं, इन्फोसिस है, टाटा हिटैची है, एलएनटी है, बीपीसीएल पेट्रोल पंप है, विप्रो है, इंडियन ऑयल, मतलब कि 85 कंपनी है, महिंद्रा है, ऑरेकल है, बेस्ट कंपनीज है जो इसके 100% प्लेसमेंट होता है इस कॉलेज में। अब हम बात करते हैं व्हाट स्टूडेंट सेज अबाउट द कॉलेज, यानी जो अब मैं रिव्यू आपको दिखाने जा रही हूं वो 100% ऑनेस्ट है कॉलेज के। मैंने किसी रिनोन्ड वेबसाइट से डाउनलोड किया है आपके लिए, 85 डाउनलोड किया, उसमें कुछ जो मुझे जेनुइन लगा उसे मैं यहां दिखा रही हूं। रिव्यूज के बेसिस पर ही हम लोग लेते हैं। देखिए, एक बच्चा है रितुल कुमार जो 2018 यानी लास्ट ईयर एडमिशन लिया है और बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डबल ई ब्रांच का है, 2022 में पास आउट होगा। इसने कहा है कि इट इज द बेस्ट प्लेस टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, यानी जो बच्चा लास्ट ईयर एडमिशन लिया वो कह रहा है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए इससे अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती है। प्लेसमेंट के बारे में वो बच्चा कह रहा है कि यहां पर प्लेसमेंट 100% होता है सीएस और आईटी वाले का, ब्रांच अगर सीएस आईटी है तो इसी का भी अच्छा प्लेसमेंट है, कोर में भी और नॉन कोर में भी। यही बच्चा आगे कहता है कि अगर आप कोर में, कोर मतलब हो गया गवर्नमेंट जॉब, जैसे ये सब एनटीपीसी वगैरह हो गया, थोड़ा हार्ड है गवर्नमेंट में, लेकिन फिर ये बच्चा कहता है कि गुड कंपनीज रिक्रूट स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल ब्रांच, यानी इसके अनुसार मैकेनिकल ब्रांच बेस्ट है। अब हम लोग अगले बच्चे का देखते हैं क्या कह रहा है, ये बच्चा क्या सजेस्ट कर रहा है। ये बच्चा कह रहा है गो फॉर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग If you get it, अगर तुम्हें मिलता है, हाई रैंकिंग वाले को ये ब्रांच मिलता है, अगर तुम्हें ये ब्रांच मिलता है, ये ब्रांच तो थोड़ा सा साइड है, थोड़ा सा उतना फेमस नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो कोई ऐसी कंपनी है जहां फायर की जरूरत नहीं है, आग बुझाने वाली मशीन की जरूरत नहीं है, तो सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग से आप करते हो तो आपका प्लेसमेंट पक्का है। उसने कहा है कि एवरेज पैकेज 8-10 लाख पर एनम जाता है। उसने कहा है कि बहुत सारी पीएसयू आती है जो इस ब्रांच वाले को अच्छा पैकेज 18 लाख तक का पैकेज दिए, यानी प्यारे बच्चे अगर आपको ये ब्रांच मिलता है तो जरूर लें। हमारा एक स्टूडेंट था काफी पहले, मुझे लगता है कि 2011 में वो गया था और वो केमिकल इंजीनियरिंग लिया था वहां से, या प्रोडक्शन, अब मुझे ध्यान नहीं है और मेरे अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। लास्ट टाइम हमारी बात उससे व्हाट्सएप पर 2016 में हुई थी जब वो जॉब कर रहा था। अब एक और बच्चा वैष्णव कहता है 11 फरवरी 2018 को ये रिव्यू किया है सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग का ही कि सीयू सेट एक कंप्लीट पैकेज है, यानी ये भी कह रहा है कि प्लेसमेंट्स आर गुड हेयर। उसने कह रहा है कि इनफैक्ट ब्रांचे जो नेवल आर्किटेक्चर सेफ्टी इंजीनियरिंग ये टॉप पे हैं जब प्लेसमेंट की बात आती है। कौन कौन सी कंपनी, ये बच्चा कह रहा है कि हाइएस्ट पैकेज, ये हम और आप नहीं, जो बच्चा उस कॉलेज में पढ़ रहा है, देखिए क्लियर, देखिए बच्चा जो 2021 में पास करेगा वो बच्चा कह रहा है इस ब्रांच का कि हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर ऑफर हुआ है वो 18 लाख। थोड़ी देर पहले एक और बच्चा पढ़ रहा बोला था आपको, मैंने दिखाया था गवर्नमेंट सेक्टर बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप, हम लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं, आईओसीएल इंडियन ऑयल रिफाइनरी है जो कैंपस विजिट करती है,
और ये प्लेस कराती है। अब ये कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांचेज आर आल्सो एट द टॉप, यानी कंप्यूटर साइंस भी का भी अच्छा प्लेसमेंट है। अब एक आखिरी बच्चे का मैं दिखाती हूँ, ये बच्चा कोचीन यूनिवर्सिटी का CUSAT का है, कोची कैंपस का, जो कह रहा है हाजीस नाम है, B.tech कर रहा है, उसका कह ये 10 दिया है, 10 out of 10 दिया है। ये कह रहा है, अच्छे से आप देखिए तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि प्रोबेबली आई एम हैविंग माई बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, यानी मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन समय जी रहा हूँ। इसका मतलब ये कॉलेज लाइफ काफ़ी इंजॉय कर रहा है। अब देखिए ये बच्चा प्लेसमेंट के लिए कितना दे रहा है रैंकिंग, देखिए ये 10 out of 10 रैंकिंग दे रहा है प्लेसमेंट के लिए, ये बच्चा 10 out of 10 दे रहा है प्लेसमेंट में, यानी प्लेसमेंट इसका आउटस्टैंडिंग है। और ये बच्चा हॉस्टल के बारे में भी कह रहा है कि 10 out of 10 है, यानी हॉस्टल भी अच्छा है यहाँ का। अब मैं आखिरी चीज पर आ रही हूं, जो मैं रैंकिंग की बात की थी, अब देखिए क्या कह रहा है। NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2016 का मैं दिखा रही हूं, टॉप 30 में ये कॉलेज था, यानी इंडिया के बेस्ट 30 इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कॉलेज का नाम था, इस यूनिवर्सिटी का। अब देखिए यूनिवर्सिटी इज प्लेस्ड एट 5th रैंक इन इंडिया, वेबो मैट्रिक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 5th रैंक है इसका इंडिया में, इसका मतलब ये बेस्ट कॉलेज है। अब देखिए लास्टली मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं तो CSIT सेफ्टी सिप बिल्डिंग यही ब्रांच है। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं अपना डिस्कशन खत्म करती हूं इस बात, इस कंक्लूजन के साथ कि अगर आप भी इसी गेट से एंट्री चाहते हैं, अगर ये आपकी गाड़ी हो, अगर आप इस रास्ते से जाना चाहते हैं, ये तो खैर निकलने का है, अगर आप इस रास्ते से एंट्री चाहते हैं तो आपको इसके एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना होगा। और 3 ब्रांच मेरे सामने आ रही है, पहला सेफ्टी एंड फायर में फायर इंजीनियरिंग, दूसरा CS and IT और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। इस 3 में 100% प्लेसमेंट होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इतना ही डिटेल किसी और कॉलेज का जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच।